आप लोगों ने कभी ना कभी प्लेन हाईजैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा और मन में उत्सुकता जरूर होती होगी जानने की कि आखिर किस तरीके से इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच में प्लेन हाईजैक होता है और किस तरीके से गवर्नमेंट लोगों को बचाती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 8 प्लेन हाईजैकिंग मूवीज़ की बात करने वाले हैं और इन सभी मूवीज़ में खास बात यह है कि किसी की भी स्टोरी सेम नहीं है। हर मूवी अलग अलग तरीके से प्लेन हाईजैकिंग को दिखाती है और मूवीज़ देख के आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 8 में से 7 मूवीज़ तो हिंदी में ही अवेलेबल है, इट मीन्स आपको इन्हें देखने में कोई भी समस्या नहीं होगी। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर ये मूवीज़ कौन सी हैं। सबसे पहली मूवी है नॉनस्टॉप, जो 2014 में आई थी। ये एक एक्शन मिस्ट्री मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक मार्शल की, जो कि एक प्लेन के अंदर होता है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि प्लेन अंदर मार्शल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि प्लेन के अंदर अगर कोई भी समस्या हो तो लोगों को बचाने के लिए वहां पे कोई ना कोई होना चाहिए। पर इस प्लेन के अंदर समस्या तब खड़ी हो जाती है जब एक मैसेज आने लगता है हमारे मार्शल के पास और उसके अंदर डिमांड किया जा रहा है $150 मिलियन। और अगर इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो एक एक करके हर कुछ मिनटों में प्लेन के अंदर लोगों को मारना शुरू कर दिया जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि बाकी मूवीज के अंदर हम देखते हैं जो टेररिस्ट है वो बंदूक लेके प्लेन के अंदर घुस जाते हैं, लोगों को बंदी बना लेते हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको एंड तक पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में टेररिस्ट कौन है और कौन लोगों को मार रहा है। तो मूवी काफी कमाल की और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है एग्जीक्यूटिव डिसीजन। ये मूवी 1996 में आई थी। मूवी पुरानी है लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ टेररिस्ट की जो कि एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और इस प्लेन के अंदर हर कोई बंदी बन चुका होता है। मार्शल भी कुछ नहीं कर सकता, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे में कुछ सोल्जर्स एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से, एक प्लेन की मदद से उस प्लेन के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं ताकि वो उस प्लेन में लोगों को बचा सके। अब एक चलते हुए प्लेन में कैसे ये लोग जाते हैं और लोगों को बचाते हैं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है पैसेंजर 57, जो मूवी 1992 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल की, जिसे एक प्राइवेट प्लेन के अंदर बैठा के ले जाया जा रहा होता है और ये एक पैसेंजर प्लेन होता है जहां पे सारी चीजें कुछ समय तक बहुत ज्यादा नॉर्मल चलती है, लेकिन थोड़ी देर में पता लग जाता है कि इस प्लेन के अंदर उस आदमी के बहुत सारे लोग हैं जो पूरे प्लेन को बंदी बना लेते हैं, पायलट को मार देते हैं और पूरा प्लेन इस समय इनके कंट्रोल में है। हर चीज इनके योजना के हिसाब से ही चल रहा होता है, लेकिन ये लोग एक गलती कर देते हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि इनके प्लेन के अंदर एक पैसेंजर 57 है जो 57 नंबर सीट पर बैठा है, जो कि एक बहुत खतरनाक आदमी है। अब ये किस तरह बचाता है पूरे प्लेन को वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है एयरफोर्स वन, जो मूवी 1997 में आई होगी। अभी तक आपने बहुत सी प्लेन हाईजैकिंग मूवी देखी होंगी, बट ये मूवी बाकी सब मूवीज से इसलिए अलग है क्योंकि इस मूवी के अंदर प्लेन को तो हाईजैक किया ही जाता है, लेकिन ये प्लेन एयरफोर्स वन होता है, यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट का प्लेन ही हैक कर लिया जाता है और उसके अंदर खुद यूएस प्रेसिडेंट अपनी पूरी फैमिली के साथ होते हैं। ऐसे में किस तरह यूएस प्रेसिडेंट अपनी जान बचाते हैं और उनको बचाया जाता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है कॉन एयर, जो मूवी 1997 में आई थी। इस मूवी के अंदर आपको बहुत अलग स्टोरी देखने को मिलती है प्लेन हाईजैकिंग की, क्योंकि यहाँ पे किसी पैसेंजर प्लेन को हाईजैक नहीं किया जाता। यहाँ पे कहानी दिखाई गई बहुत सारे क्रिमिनल्स की, जिन लोगों को प्लेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। पर यहाँ पे समस्या ये है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है। अगर आप इनको दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल कहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। और इन लोगों की एक बहुत खतरनाक योजना है कि जिस प्लेन के अंदर ये लोग ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, जहां से इनको एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, ये लोग उस प्लेन को ही अपने कंट्रोल में ले लेंगे और ये लोग इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह उस प्लेन को वापस गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है, इन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ती है, क्योंकि ये लोग तो भाग जाएंगे, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है यूनाइटेड 93, जो 2006 में आई थी। और ये मूवी 9/11 की जो दुर्घटना हुई थी, जिसमें दो प्लेन्स की टक्कर कराई गई थी ट्विन टावर से ओसामा बिन लादेन के कहने पे, आई थिंक मैं राइट हूँ, ओसामा के कहने पे, टेररिस्ट के कहने पे उन प्लेन्स की टक्कर करवा दी गई थी ट्विन टावर बिल्डिंग से। लेकिन एक तीसरा प्लेन भी था जिसका नाम था यूनाइटेड 93, जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स थे और योजना के मुताबिक इस प्लेन की भी टक्कर करवानी थी ट्विन टावर से, लेकिन इसके अंदर जितने पैसेंजर्स थे, पायलट थे, उन सब लोगों ने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई और उन लोगों ने इस प्लेन की टक्कर नहीं होने दी ट्विन टावर से। तो आखिर एक्चुअल में क्या हुआ था वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है 7500। ये मूवी 2019 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक प्लेन की, जो कि बर्लिन से उड़ा होता है पेरिस के लिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब हो जाती है जब कुछ टेररिस्ट इस प्लेन के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली मूवीज के अंदर हमने देखा है कि बड़ी ही जल्दी प्लेन टेररिस्ट के कंट्रोल में आ जाता है,
है, लेकिन यहाँ पे जो इस मूवी का पायलट है वो किसी भी तरीके से तैयार नहीं है कैबिन का दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि अगर एक बार कैबिन का दरवाजा खुल गया तो बड़े आराम से प्लेन उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट मूवी है डाई हार्ड 2, जो मूवी 1990 में आई थी, और इस मूवी को देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मूवी के अंदर आप काफी बार सुनेंगे कि लोग हमारे हीरो की यानी कि जॉन की तारीफ कर रहे हैं कि पहली मूवी के अंदर उसने गजब का काम किया था, लेकिन उसके अलावा बाकी इस मूवी के अंदर पहली मूवी का कोई भी रेफरेंस नहीं है। इसीलिए आप इस मूवी को बेहिजक देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई हमारे हीरो जॉन की, जो जाता है एयरपोर्ट पे ताकि अपनी वाइफ को एयरपोर्ट से पिकअप करके लेके आ सके अपने घर पे। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब पूरी एयरपोर्ट के सिस्टम को कुछ टेररिस्ट हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप एयरपोर्ट वाले हवा में उड़ रहे 18 प्लेन से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, और 1.5 घंटे के अंदर उन सभी प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और एक एक करके सभी प्लेन क्रैश होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन के वो लैंड नहीं कर सकते और अगर कोशिश की तो मारे जाएंगे। हर तरफ अंधेरा है, बर्फ गिर रही है, मौसम खराब है। ऐसे में गवर्नमेंट के पास केवल एक चॉइस है कि उन टेररिस्ट की मांगों को पूरा कर दिया जाए, वरना बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में मारे जाएंगे। ऐसे हमारे हीरो जॉन क्या करता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।